क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? क्या सलमान खान माफी अगर मांग लेते हैं तो वो दोषी साबित हो जाएंगे? क्या सलमान खान अगर माफी मांग लेते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई उन्हें माफ करेगा या नहीं करेगा? और चौथा सवाल, क्या सलमान खान का स्टारडम खतरे में है? नमस्कार दोस्तों, आपने अभी हाल के दिनों में एक चर्चा बहुत जोर शोर से सुनी होगी, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई। ये मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन इतने सालों के बाद, हालांकि ये कोई धमकी नई नहीं है, लेकिन इतने सालों के बाद ये कह सकते हैं कि मुद्दा आखिर निकलकर क्यों आ रहा है। जो लोग, जिनकी उम्र लगभग 30 साल से ऊपर की है, उन्होंने हम साथ साथ हैं फिल्म जरूर देखी होगी। 1998 में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। 27-28 सितंबर अक्टूबर का डेट माना जाता है कि उस दिन शूटिंग खत्म करने के बाद शाम के वक्त सलमान खान अपने दोस्तों के साथ, जिसमें तब्बू, सैफ अली खान और उनके अन्य साथी कलाकार, एक जिप्सी में सवार होकर शूटिंग के लिए निकले। और जोधपुर में एक गांव है भवाद गांव, जहां एक घोड़ा फार्म हाउस, बड़ा प्रचलित फार्म हाउस है, उधर की तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने शिकार किया। जैसे ही जिप्सी की आवाज गांव वालों ने सुनी, लोगों को लगा कि जैसे शिकारी आ गए। लोग उस तरफ भागे, लेकिन अचानक से गोली चलने की आवाज आई। जब वो आगे बढ़कर देखे, लोगों ने पीछा किया, उस वक्त तो जिप्सी का वो पीछा करने लगे, जब वो देखे तो उस भीड़ में एक व्यक्ति पहचाना गया था, वो है सलमान खान। सलमान खान के अन्य साथी कलाकार भी थे, लेकिन और किसी की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसकी पहचान की थी, कुछ समय के बाद, हालांकि उसने उस समय उसने अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपने बयान से मुकर गया। और क्यों मुकर गया? हो सकता है इसके पीछे कुछ पैसा दिया गया हो, या कुछ भी कारण रहा हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पे फुल प्रूफ नहीं कह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने बयान दिया था और बयान के बाद गवाह मुकर जा रहा है, तो उसको जबरन या तो फिर अपने जब बयान से पलटा जाता है धन के लालच में या किसी डर के लालच में, वो बयान पलट जाता है। खैर, बात काफी पुरानी है। सन 1998 से लेके 2024 का समय आ गया है, अभी तक इस केस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और आपको एक बात और बता दूं कि ये केस दर्ज क्यों हुआ? जब वन विभाग के अधिकारियों ने देखा कि दो काले हिरण का शिकार किया गया था। काले हिरण का शिकार के बारे में तो वो जानते होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आखिर कितने काले हिरण मारे गए थे। तो आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए, कि दो काले हिरण का शिकार किया गया था, और जब लोगों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने वहां जाकर देखा, तो दो काले हिरण मरे पड़े थे। वन विभाग के अधिकारियों के बयान पर ही केस दर्ज किया गया और सलमान खान की शिनाख्त की गई थी। केस दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए। वहीं सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर बरी कर दिया। एक दूसरे मामले में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 में 6 दिन तक सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। बाद में सलमान हाई कोर्ट से बरी हो गए। सेशन कोर्ट में सजा बरकरार रहने के बाद सलमान खान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में फिर रहना पड़ा। बाद में वो जमानत पर फिर रिहा हो गए। और एक और केस उन पर चल रहा था, आर्म्स एक्ट का। इसमें कहा गया था कि 22 सितंबर 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। इस मामले में भी उनको बरी कर दिया गया था। और चौथा और आखिरी काला हिरण शिकार मामला जो जोधपुर कोर्ट में चल रहा था, उसमें उन्हें दोषी करार दिया गया था। इसमें से 51 गवाहों की कोर्ट में सूची दी गई थी, लेकिन मात्र 28 गवाह ही उपस्थित रहे और उनका बयान दर्ज हो पाया। दोनों पक्ष की ओर से अंतिम बहस 28 मार्च 2018 को लगभग पूरी कर ली गई। 5 अप्रैल 2018 को
काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया। सजा सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को मिली, वो भी 5 साल की। 5 अप्रैल 2018 को ही सलमान खान को सेंट्रल जेल भेज दिया गया, पर 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई और उसी दिन वो रिहा हो गए। ये तो उस घटना की टाइमलाइन है जो मैंने आपको बताई। अब उसके बाद 1998 में लॉरेंस बिश्नोई की उम्र जो बताई जा रही है वो 5 साल की थी। इससे पहले मैं बिश्नोई समाज के बारे में आपको बता दूं, बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी के रूप में जाना जाता है और काले हिरण को वो भगवान की तरह पूजते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे की तरह मानते हैं। यहां तक कहा जाता है कि माताएं काले हिरण के बच्चे को अपना स्तनपान भी करवाती हैं, और इससे बड़ा ममता की कोई बात नहीं हो सकती। आपको मैं एक और बात बताऊं कि चिपको आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वो भी बिश्नोई समाज से ही प्रेरित होकर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये समाज अपने प्रकृति प्रेम के लिए बिल्कुल जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच क्या है मतभेद? लॉरेंस बिश्नोई ने जब उसने होश संभाला 5 साल की उम्र में, बिल्कुल कहा जा सकता है कि 5 साल की उम्र में शायद लॉरेंस बिश्नोई को इतना होश नहीं होगा, लेकिन जब बड़े होने के बाद उसने होश संभाला और देखा कि एक VIP कल्चर का आदमी, सलमान खान जैसा दबंग वह आदमी, दबंग खान कह लीजिए या फिर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे उनका एक छत राज्य चलता है, कई बार ये भी कहा जाता है कि उनके दाऊद गैंग से संबंध है और बहुत सी तमाम बातें आए हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमारे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन सलमान खान दबंग है इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर अपने वीडियो में सिर्फ उन बात को करूंगा, उन तथ्यों को पेश करूंगा जो हम सोचते हैं, जो आम इंसान सोचता और समझता है, और कहीं ना कहीं VIP कल्चर के आड़ में बहुत सी चीजें दबाई जाती हैं, लेकिन वो एक भीड़ का हिस्सा बनके, भीड़ की आवाज बनके वो आवाज दबी जाती है हमेशा के लिए, उस पर कभी चर्चा नहीं होती, मीडिया भी शायद ही उन बातों को कभी उठाता है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने सलमान खान को धमकी दी, जब बड़ा हुआ वो, उसको इस चीजों का नॉलेज हुआ और बताया गया कि किस तरह से सलमान खान इतने साल होने के बावजूद भी उसको किस सजा नहीं मिली। लॉरेंस बिश्नोई ने जो किया या जो कर रहा है मैं उसको कदापि सही नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं वो भी अपराध है, अपराध की सीमा में आता है, किसी की हत्या करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारा, उसके पीछे तर्क ये था कि सलमान खान के फेवर में वो खड़ा रहता था, सलमान खान का साथ देता था, इसलिए उसने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। बाबा बिश्नोई को मारा, जिम्मेदारी भी ली, हर हत्या के पीछे उसने जिम्मेदारी ली है। बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है कि हमने मारा है, और यहां भी वही तर्क था कि वो सलमान खान के फेवर में था और दाऊद गैंग से उसके संबंध थे। खैर जो भी रहा हो ये कदापि सही नहीं माना जा सकता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात और कही थी, वो बहुत अहम बात है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान अगर जोधपुर मंदिर में जाकर, बिश्नोई समाज का एक मंदिर है वहां जाकर माफी मांग लें और अपना गुनाह कबूल कर लें तो मैं उन्हें माफ करने को तैयार हूं। कहीं ना कहीं अगर धुआं उठता है तो इसका मतलब चिंगारी तो लगी है। काले हिरन का शिकार हुआ था ये तो कन्फर्म है, उस दिन ये सारे लोग शिकार पर गए थे ये भी बात कन्फर्म है। इतना ही नहीं, सोफी अली जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड है वो उस समय 1998 के दौरान सलमान खान के साथ रिलेशन में थी। सलमान खान के लिए उसने खुद कहा कि सलमान खान जब शिकार से लौटे थे तो उन्होंने स्वीकार किया, उसके आगे उससे बताया था कि अनजाने में गलती से मुझसे काले हिरन का शिकार हो गया। अब या तो सोफी अली झूठ बोल रही हैं या सलमान खान झूठ बोल रहे हैं,
अब यहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री और होती है, वो है सलमान खान के पिता सलीम खान। सलीम खान ये कह रहे हैं कि सलमान माफी क्यों मांगेगा जब उसने गलती नहीं की, अगर उसने माफी मांग ली इसका मतलब उसने गुनाह कबूल कर लिया। सलमान खान आखिर डर किस बात से रहे हैं? सलमान खान ये डर रहे हैं कि कहीं उनका गुनाह साबित हो गया तो उन्हें जेल ना हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो पंगा लेने को तैयार है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अभी पावर में है और बहुत बड़ा नेटवर्क उसने दाऊद गैंग की तरह ही अपना नेटवर्क फैला रखा है। मैं कह नहीं सकता पूरी तरह से, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में पप्पू यादव, कमाल आर खान, एक और भाई का मुंबई से वीडियो आया था कि हम सारे खान एक होकर लॉरेंस बिश्नोई को मिनटों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय में 2 या 3 दिन के अंदर सारे के सारे अपने बयानों से पलट गए। पप्पू यादव ने तो यहां तक कहा था सरकार अगर इजाजत दे तो मैं 24 घंटे के अंदर बिश्नोई गैंग को खत्म करके रख दूंगा। खैर, पप्पू यादव पुराने बाहुबली हैं बिहार के और वो ये बात कह रहे थे तो, लेकिन अब उनका बाहुबल रहा नहीं है। अब वो जिस तरह की मीडिया में आने के बाद जिस तरह के ड्रामे उनके चलते रहते हैं वो सब लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हैं उनको बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई अभी भी वो सलमान खान को माफ कर सकता है या नहीं? सलमान खान ईगो की वजह से माफी नहीं मांग रहे। सलमान खान को 2 बार 3 बार जेल हुई, सजा हुई, वो जेल में रह के भी कुछ दिन आ चुके। अगर वो बिल्कुल पूर्णतः निर्दोष होते, अगर वो उस ओर नहीं गए होते तो ये बात उठती ही नहीं और सलमान खान का केस इतना लंबा नहीं चलता। लगभग आप देखिए 26 साल होने को है, 26 साल तक इस केस का फैसला आज तक नहीं आ सका। क्या कोई आम आदमी होता तो भी केस इसी तरह से चल रहा होता या फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका होता? मैं लॉरेंस बिश्नोई को इस बारे में कदापि गलत नहीं कहूंगा कि उसने सलमान खान को माफी मांगने के लिए कहा। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है, जो लोगों की उसने हत्या की, वो एक संगीन अपराध है। वो जेल में भी बंद है गुजरात के, लेकिन गुजरात के जेल में बंद रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क देखिए कि वो फिर भी वहां से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इन सब चीजों से क्या निकल के आखिर आता है सामने? क्या सरकार और प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है? सरकार और प्रशासन सलमान खान को सपोर्ट कर रही है? दोनों ही तरह से ये बात सही है। अगर प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट नहीं कर रही होती तो वो अंदर से कैसे अपने गैंग को ऑपरेट कर सकता, कैसे कम्युनिकेट कर सकता, कैसे अपने गैंग के लोगों से अपने नेटवर्क को अपडेट करके हर चीज की जानकारी रख सकता था और अपना संदेश उन तक पहुंचा सकता और उनकी बातों को अडॉप्ट कर सकता? कैसे सोफी अली ने ये खुलेआम कह दिया कि आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं तो मेरे से बात कर लीजिए? कहीं ना कहीं ये बातें मीडिया में अगर आई हैं तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार और प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार और प्रशासन सलमान खान को भी पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? सलमान खान वीआईपी कल्चर वाले हैं, बहुत बड़े वीआईपी, लाखों करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उनकी फिल्में बिल्कुल देखने लायक होती हैं, ये भी मैं कहूँगा, पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, कोई वैसा सीन नहीं होता जो परिवार के साथ बैठ के ना देखा जा सके। तो सलमान खान अभिनेता के मामले में अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इंसान के मामले में भी उन्हें कहा जाता है कि बहुत से लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया और इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका दिया, लेकिन अपने करीबियों को, बहुत से लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन काफी से ज्यादा लोगों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जिसको वो धमका देते हैं, जैसे विवेक ओबेरॉय का नाम आया था कि सलमान खान की वजह से उन्हें फिल्में तक मिलनी बंद हो गई थी। अब यहां पे एक बात माना जा सकता है कि सलमान खान अपने ईगो की वजह से माफी मांगने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि उनको ये भी डर हो सकता है कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो कहीं काले हिरण शिकार मामले में इतने लंबे साल के बाद, समझ लीजिए कि उन्होंने आधी जिंदगी अपनी इस केस के दौरान जी ली है और सुकून से जी ली है, ठाट बाट से जी ली है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं और पूरी दबंगई से जी ली है, उसके बावजूद अगर उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली, अगर माफी मांग ली तो उन्हें सजा हो सकती है और वो जेल में नजर आ सकते हैं। इसलिए सलमान खान माफी मांगने को तैयार नहीं है। सलीम खान
उनके सरकार से भी करीबी रिश्ते रहे हैं, नो डाउट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है सलीम खान, और इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ों को मैनिपुलेट बहुत ईजली वे में कर सकते हैं। तो सलीम खान भी सलमान खान को सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि कुछ भी हो जाए वो सलमान खान को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बेटा है उनका। हर कोई, हर पिता अपना चाहेगा अपने बेटे को इस मामले में, ऐसे मामले में सपोर्ट करने का, तो सलीम खान गलत नहीं है। लेकिन सलमान खान का ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गैंग से पंगा ले चुके हैं, और जिस तरह बाबा सिद्दीकी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में रहते हुए उन पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया और उन्हें मार दिया, ये सलमान खान के लिए खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सलमान खान ये कहें कि भाई मैंने वो शिकार नहीं किया है, लेकिन बिश्नोई समाज चूंकि मुझसे खफा है, मुझसे नाराज है, इसलिए मैं फिर भी, अगर आपको लगता है कि ये गुनाह मैंने किया है तो मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। इस तरह माफी मांगने से शायद वो सरकार की नजर में बच जाए, सरकार की नजर में उनका गुनाह साबित ना हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सेटिस्फाइड हो जाए, ये हो सकता है। मैं अनुमान पे कह रहा हूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, राम जाने। तो आप मुझे बताइए कि क्या सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए या फिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को दिए हुए धमकी को पूरा करेगा। दोनों ही स्थिति में चीजें भयावह हो सकती हैं। सलमान खान की अगर हत्या होती है, कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मातम का माहौल होगा, क्योंकि सलमान खान के करोड़ों अरबों फैन हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में उनके बहुत भारी मात्रा में फैन हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में जिस तरह की चीजें हुई हैं, उससे ये भी लग रहा है कि सलमान खान का स्टारडम धीरे धीरे खत्म सा हो रहा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्म है। उसमें दो तरीके के लोग निकल के आए हैं, जिसमें यूथ भी हैं बहुत से, मतलब हर उम्र के लोग हैं कह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और तथ्य क्या दिया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई मूसे वाला को मारा, उसके दाऊद से संबंध थे, तथ्य ऐसा दिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मारा, उसके सलमान खान और दाऊद गैंग से संबंध थे। लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को धमका रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई एक कट्टर हिंदू है और हिंदुत्व को मानता है, पर्यावरण प्रेमी, चूंकि वो पूरा समाज है, एक छोटा सा समाज है, लेकिन पर्यावरण को मानते ही नहीं, वो पर्यावरण की पूजा करते हैं एक तरह से कह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर उसके आराध्य की तरफ उंगली उठाएगा, यहां तो उसने जान ले ली है, अगर आराध्य की तरफ उंगली उठाएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। समाज के हर व्यक्ति में वो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर कोई एक्शन ले सके। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जो किया है वो अपराध की श्रेणी में तो आता है, लेकिन अगर सलमान खान दोषी हैं तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई सही भी हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ माफी मांगने को कहा है। माफी ना मांगने पर उसने मार देंगे या जो भी कह देंगे, लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है। अब सलमान खान की स्टारडम की बात चुकी मैं कर रहा था, सलमान खान का स्टारडम इसलिए क्योंकि सलमान खान को लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लॉरेंस बिश्नोई को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एक हाल फिलहाल की घटना और हुई थी, बिग बॉस का पिछला सीजन आया था जिसमें एल्विश यादव बिग बॉस में गया हुआ था, एक यूट्यूबर है। एल्विश यादव को सलमान खान ने उसकी माँ के सामने बहुत ही बुरा भला कहा, और इतना, मतलब इस तरह से कुछ बातें हुई कि एल्विश यादव रोने तक लग गया था लाइव कैमरे के सामने। 24 घंटे के अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे, 24 घंटे के अंदर 30 लाख फॉलोअर कम हो गए थे सलमान खान के। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा यूट्यूबर जो 3-4 साल पहले यूट्यूब इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है यूट्यूब इंडस्ट्री, यूट्यूब में रील्स और वीडियोस बनाकर, छोटा सा एक यूट्यूबर सलमान खान की हस्ती को हिला सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई तो उससे बहुत बड़ा कद बन चुका है। उसके नेटवर्क में हजारों लोग हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं, जो खालिस्तानियों से एक तरफा लोहा भी ले रहे हैं। तो ऐसे में सलमान खान के स्टारडम पे भी खतरा है और सलमान खान की जान पे भी खतरा है। तो सलमान खान अगर माफी मांग ले तो ये बेहतर रहेगा, ये मेरा निजी विचार है,
अपने इन्हीं बातों के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना कमेंट जरूर लिखें, क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्या सलमान खान माफी अगर मांग लेते हैं तो वो दोषी साबित हो जाएंगे, क्या सलमान खान अगर माफी मांग लेते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई उन्हें माफ करेगा या नहीं करेगा, और चौथा सवाल, क्या सलमान खान का स्टारडम खतरे में है। तो आप इसका जवाब जरूर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम नए नए कंटेंट उन मुद्दों पे ला सकें जिन मुद्दों पे पब्लिक सोचती तो है लेकिन कोई बात नहीं करता। ऐसे मुद्दों को हम खास करके आपके सामने रखेंगे और आपका जवाब, आपका समर्थन, आपका सहयोग हमें चाहिए। नमस्कार।